Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study the first poem of Hornbill, that is A Photograph, written by Shirley Torres. अब ये पोयम में पोएट जो है वो याद करती है उसकी मदर का चाइल्डहुड थ्रू अ फोटोग्राफ. सो दिस पोयम इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ अ मदर बाय द पोएट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. सो यहाँ पे कार्डबोर्ड से पोएट का मतलब है द फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ देख के वो बताती है कि किस तरह से दो लड़कियाँ पैडलिंग करते हुए जाती है, दैट इज डक जिस तरह से स्विम करती है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल्स ऑफ 12 ईयर्स और सो. सो पोएट यहाँ पे बताती है कि इन द फोटोग्राफ जो दो लड़कियाँ हैं आर द कजिन्स ऑफ हर मदर, और उन दोनों ने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, और उसकी मदर जो है वॉज द एल्डेस्ट वन एंड शी वॉज अराउंड 12 ईयर्स और सो ऑफ एज. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. सो यहाँ पे पोएट बताती है कि थ्री ऑफ देम कैमरा की तरफ देख के स्माइल कर रहे थे टू गेट देमसेल्व्स क्लिक्ड, और उनकी जो तस्वीर खींच रहे थे वॉज अंकल जो कैमरा के साथ उनके फोटो ले रहे थे. एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. सो हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से द सी व्हिच इज अनचेंज्ड व्हिच इज परमानेंट, और उन्होंने उनके इम्परमानेंट फीट को वॉश अवे किया था थ्रू द वॉटर. सो हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से द सी इज परमानेंट बट द मेमोरी द टाइम व्हिच दे हैड वॉज नॉट परमानेंट. Now, coming to the second stanza, some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. So here, the poet is talking about the time when her mother was there, और जब वो उस फोटो को देखकर अपने टाइम को याद कर रही थी, she was recollecting the memories of her childhood and how she missed it. And here the poet's mother tells कि उसकी जो cousins है Betty and Dolly, उन्होंने किस तरह से dress up हुए थे वो beach के लिए. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rhyme with the labored ease of laws. So this is another important line of the poem, जहाँ पे poet बताती है कि both mother and daughter are recollecting their old memories. उसकी mother के लिए old memory थी उसका बचपन, her childhood, जहाँ पे उसने sea holiday enjoy किया था, और poet के लिए memory थी उसकी mother कि कब किस तरह से वो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करती थी. नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से इट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस. और फाइनल स्टैंजा में पोएट बताती है कि किस तरह से अब उसकी मदर जो है शी इज नो मोर, शी इज डेड, और अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है किसी चीज को याद करने के लिए. And the last line, the silence silences is very important. Here the poet is trying to say कि आसपास का जो माहौल है, जो silence है, वो ही उसे silence कर चुका है. Now to conclude, we can say that poem जो है वो तीन अलग-अलग stanzas में divided है. और किस तरह से divided है? जो first stanza है, वो childhood बताता है उसकी mother का childhood, जहाँ पे वो enjoy कर रही थी, she was having a sea holiday. और उसकी मेमोरीज जो फोटोग्राफ में दिखती है कि किस तरह से वो अपने कजन के साथ गई थी. जो सेकंड स्टैंजा है इज अबाउट द एडल्टहुड ऑफ द मदर, जहाँ पे वो अपने बचपन की फोटो देख के अपनी मेमोरीज को याद करती है, अपनी कजन्स को याद करती है, और सी हॉलीडे को याद करती है. और जो लास्ट पैराग्राफ है, द लास्ट स्टैंजा, विच इज अबाउट द डेथ ऑफ हर मदर, और यहाँ पे पोएट बताती है दैट हर मदर इज नो मोर, और उसके पास सिर्फ उसकी मेमोरीज रह गई है विच लीव्स हर साइलेंट. सो स्टूडेंट्स, हियर्स द ब्रीफ अबाउट द पोएट. थैंक यू, काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.